वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस के बेसिस पर एग्जांपल 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इलेक्ट्रीशियन को एक फॉल्ट को ठीक करना है एक इलेक्ट्रिक पोल पे। उसके लिए हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोल की लेंथ गिवन है जो की है 5 मीटर। अब दोस्तों, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोल होते हैं वो ग्राउंड पर बिल्कुल वर्टिकली खड़े होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोल है ये ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। अब उस इलेक्ट्रीशियन को फॉल्ट ठीक करने के लिए इस पोल के एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचना है जो पॉइंट इस इलेक्ट्रिक पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे है। अब इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसे लैडर लगानी होगी। इस पॉइंट पर उसने लैडर भी लगाई। हमारे अब इस क्वेश्चन में यह बोला गया है कि उसे इस लैडर की लेंथ कितनी लेनी होगी ताकि ये लैडर ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल क्रिएट करे। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। और दूसरी चीज जो हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है वो ये है कि जो लैडर है ये पोल से कितनी दूर है। तो दोस्तों देखा, हम यहाँ पर दो चीजें कैलकुलेट करनी है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ ये है कि हमने इस सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद ये देखा कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है जो कि है ABC राइट एंगल ट्रायंगल, और इस पोल के टॉप पॉइंट को हमने नाम दे दिया डी पॉइंट। चलिए अब देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज की हेल्प से हमारे इस क्वेश्चन में जो दो चीजें हमें निकालनी है वो कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट्स, हमने एग्जांपल 2 में दी हुई सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज किया और देखा कि इस सिचुएशन में एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। अब उसके बाद दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल में उसकी तीनों साइड्स की नेमिंग कर लीजिए। तो देखिए, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि ABC। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जिस पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। और अब इस 90 डिग्री के अलावा जिस एंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। और अब हम यहाँ पर एंगल ए यानी कि 60 डिग्री एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, एंड द रिमेनिंग साइड इज बेस। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ ये कह सकता हूँ ना कि मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल में अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मुझे क्या देगी कि उस लैडर की लेंथ कितनी है, और मुझे बेस की वैल्यू चाहिए, इससे मुझे ये पता लगेगा कि वो लैडर पोल से कितनी दूर रखी गई है। ठीक है दोस्तों, बट यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज अप्लाई करने के लिए मुझे एक एंगल और एक साइड की वैल्यू चाहिए होगी। एंगल तो दोस्तों मुझे पता है बट साइड एक भी नहीं पता। हाइपोटेन्यूज और बेस तो मुझे निकालना ही है, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी नहीं पता। तो सोचिए कि क्या हम यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखते हैं कि हमारे पास डाटा क्या क्या गिवन है। तो देखिए, हमें BD की वैल्यू गिवन है जो कि है 5 मीटर, हमें CD की वैल्यू भी गिवन है जो कि 1.3 मीटर है। अरे वाह दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर BD में से CD माइनस कर दूं तो मुझे BC मिल जाएगा यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल जाएगी। तो मतलब 5 माइनस 1.3 तो हमारे पास आंसर आएगा 3.7 मीटर जो कि वैल्यू होगी BC की। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं लैडर की लेंथ को यानी कि हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक ऐसी साइड को पिक कीजिए जिसकी वैल्यू आपको पता है। चलिए परपेंडिकुलर की वैल्यू में पता है, पी को पिक किया, और एक ऐसी दूसरी साइड पिक कीजिए जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज को पिक करते हैं। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कीजिए, मतलब पी और एच के बीच में। तो देखते हैं, ये देखिए पहली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही बेस्ट फिट बैठ रही है। अगर मैं परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दूं हाइपोटेन्यूज से तो मुझे मिलेगा साइन। तो मैं अगर इस 60 डिग्री पर साइन की वैल्यू निकालूं तो मैं यहां से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो चलिए दोस्तों कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 3.7 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें निकालनी है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन के थ्रू हम हाइपोटेन्यूज को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और जो साइन 60 डिग्री है वो 3.7 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, 60 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड आउट किया था ना। तो सोचिए दोस्तों, देखिए टेबल में साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हो जाएगा 3.7 डिवाइडेड बाय √3/2, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब अगर दोस्तों मुझे √3/2 को मल्टीप्लाई करना है 3.7 से तो रिवर्स होकर मल्टीप्लाई होगा बिकॉज बीच में डिवाइड का साइन है। तो ये हो जाएगा 2/√3। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो √3 की वैल्यू है हमारे क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 1.73, तो इसे भी पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3.7 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 1.73 इज इक्वल टू, अब दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.28 और साथ में यूनिट लगेगी मीटर। तो इसका ये मतलब हुआ ना कि उस इलेक्ट्रीशियन को लैडर की लेंथ कितनी लेनी होगी, 4.28 मीटर। तो चलिए यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क है इसे हटाते हैं और हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है 4.28 मीटर। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें अभी ये देखना कि वो जो लैडर है वो पोल से कितनी दूर है, मतलब अब मुझे बेस की वैल्यू चाहिए। चलिए उसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स अगेन देखिए, इस ट्राइंगल में किसी एक ऐसी साइड को पिक कीजिए जिसकी वैल्यू आपको पता है। तो आप पी और एच किसी भी साइड को पिक कर सकते हैं। चलिए हम पी को ही पिक करते हैं, उसकी वैल्यू मुझे पता है। और अब मुझे बेस की वैल्यू निकालनी है, तो अब मुझे पी और बी में रिलेशन को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, हम टेन को अगर देखें तो टेन क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका मतलब है अगर मैं इस 60 डिग्री पर अब मैं टेन की वैल्यू निकालूं तो मैं यहाँ से बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये हो जाएगा टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता है जो कि है 3.7, बेस की वैल्यू हमें निकालनी है इज इक्वल टू। तो बेस की वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन के थ्रू ये बेस लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और टेन 60 डिग्री ये 3.7 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, टेबल में देखिए टेन 60 डिग्री की वैल्यू है √3, तो ये जगह 3.7 डिवाइडेड बाई √3। √3 की वैल्यू भी हमें गिवन है। अब दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.14, या फिर हम कहें कि हमारे पास किसकी लेंथ आ गई, ए बी लेंथ आ गई जो कि है 2.14 मीटर। तो देखिए हमें ये भी पता लग गया ना कि वो जो लेटर है वो पोल से कितनी दूर है, दैट इज 2.14 मीटर। तो देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। वो ये कि उस इलेक्ट्रीशियन को लैडर की लेंथ 4.28 मीटर लेनी होगी और उस लैडर को उसे पोल से 2.14 मीटर दूर रखना होगा ताकि वो लैडर ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल क्रिएट करे। ठीक है दोस्तों, था ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल 3 को सॉल्व करेंगे। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।